ये 780 कबल अज़ मसीह का ज़माना था। उन दिनों फ़लस्तीन पर यहूदी बादशाह यरोबाम की हुकूमत थी। हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना गुजर चुका था और बनी इसराइल दो रियासतों में तकसीम हो चुके थे। सल्तनत यहूदा पर अशूरिया हुकूमत का कब्ज़ा था, जबकि बनी इसराइल के दो कबीले सल्तनत इसराइल में आज़ाद थे। ये लोग ही खुदावंद यकता के मानने वाले और नुमाइंदा थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा थे और खुदा के चुने हुए कौम थे। लेकिन उस दौर में बनी इसराइल खुदा को भूलकर गुमराही के रास्ते पर चल पड़े थे। इसराइल में खुशहाली और नेमतें मौजूद थीं, लेकिन बादशाह यरोबाम की नाअहली और उमरा की मजीद मालो दौलत के लालच ने इसराइल में अमीर व गरीब तबका पैदा कर दिया था। उमरा मजीद अमीर होते जा रहे थे, जबकि निचले तबके की हालत हुकूमती टैक्स और इस्तेहसाल के बास बदतर होती जा रही थी। इसराइल की हालत बिल्कुल आज की सरमायादाराना निज़ाम की तरह हो चुकी थी। उमरा सूदखोर और ताजिर मालो दौलत के नशे में चूर हो गए थे। बनी इसराइल खुदा से लिए गए उस अहद को भुला बैठे थे, जो उन्होंने मिस्र से निकलते वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के साथ लिया था। इसराइल में रिश्वत, इस्तेहसाल, जुल्म, गुनाह और बुतपरस्ती आम हो चुकी थी। अदालत और इंसाफ का निज़ाम तबाह हो गया था। अदालतों के फैसले सिर्फ अमीरों के हक में दी जाती थी। बनी इसराइल यौम सबत के भी खिलाफ चले गए और माल कमाने के खातिर सातों दिन बाजार लगने लगी। इसराइलियों ने किनानी देवी देवताओं की पूजा शुरू कर दी थी और मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा को भुला बैठे थे। बैत ईल, यरूशलम और सामरिया जैसे शहरों में फिर से बछड़े की पूजा शुरू हो गई थी। गुज़श्ता नबियों के ज़रिया खुदावंद ने बनी इसराइल को ये डर सुनाया था कि अगर तुम मेरे हुक्म को नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा। लिहाजा अशूरिया, बाबिल और मिस्रियों ने कई मरतबा सल्तनत इसराइल पर हमला भी किया। कई दफ़ा इसराइलियों के ज़मीन पर सूखा पड़ा, शहरों में बिजलियाँ गिरी, फसलों में कमी आई और तरह तरह की बीमारियाँ फैलती गईं। लेकिन इसके बावजूद बनी इसराइल ने तौबा नहीं की। इसके बरअक्स जब जब कोई आफत आती तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करते और खुशहाली आने पर वो दोबारा बुराई के कामों में लग जाते। उन दिनों खुदा ने होसे नबी से कलाम किया और उन्हें हुक्म दिया कि बनी इसराइल को दावत दें। अबरानी जबान में लफ्ज़ होसे का मतलब नजात या नजात दहिंदा होता है। तौरेत में आपके वालिद का नाम बीरी लिखा गया है। होसे की पैदाइश इसराइल के शुमाली रियासत सामरिया में हुई थी। ये वही इलाका था जहां मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का मशहूर जादूगर सामरी ने बछड़ा बनाकर लोगों को उसकी परस्तिश में लगा दिया था। होसे नबी का तस्करा और मुकम्मल किस्सा तौरेत में मिलता है। ओल्ड टेस्टमेंट में आपकी कहानी और पेशन गोइयों के मुतालिक एक बाब मौजूद है, जिसे द बुक ऑफ होसिया कहा जाता है। अहले किताब होसे नबी को अंबियाए असगर मानते हैं। दरअसल जिस तरह इस्लाम में नबी और रसूल का फ़लसफ़ा मौजूद है, इसी तरह अहले किताब के यहाँ पैगंबर अकबर और पैगंबर असगर का नज़रिया मिलता है। वो पैगंबर जिनसे खुदा ने ज़्यादा कलाम नहीं किया, सिर्फ चंद मरतबा अल्लाह ने उनसे बातें की और अल्लाह का फ़रिश्ता भी उनके लिए बहुत ज़्यादा वही लेकर नाजिल ना हुआ, उन्हें वो अंबियाए असगर मानते हैं, जिनमें आमूस, अर्मिया, नाहूम और ज़िकरिया अलैहिस्सलाम शामिल हैं। उन पैगंबर असगर का तस्करा कुरान मजीद में भी बहुत कम आया है। अलबत्ता तफसीर, कससुल अंबिया और अकवाल सहाबा में उन नबियों का वाकया मिलता है। होसे नबी का जिक्र भी कुरान में कहीं मौजूद नहीं। अलबत्ता मशहूर मवर्रिख और सवाने निगार इब्न इसहाक ने अल मगाजी और सीरा में होसे अलैहिस्सलाम को नबी लिखा है और आपका तذکرہ किया है। इसी तरह जदीद स्कॉलर्स में अब्दुल्ला यूसुफ अली ने अपनी तफसीर में सूरह मायदा की आयत के ज़िमन में होसे अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। बहरहाल इस्लामी और इसराइली रिवायतों से पता चलता है कि होसे अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ मबूस किए गए थे और इसराइलियों के 12 अंबियाए असगर में आखिरी नबी थे, जिन्होंने क़र्ब क़यामत के मुतालिक पेशन गोइयाँ की थी। बहरहाल खुदा ने होसे नबी को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को दावत दें, लिहाजा आपने बनी इसराइल को ख़बरदार किया, उन्हें बुतपरस्ती से तौबा करने को कहा, सूद और रिश्वत को तर्क कर देने का हुक्म दिया और उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा से क्या वादा किया था। खुदा इसराइलियों के जिस अमल से सबसे ज़्यादा गज़बनाक था वो मूर्ति पूजा थी।
क्योंकि खुदा ने इसराइलियों को इस काम के लिए चुना था कि वो इस ज़मीन को बातिल देवताओं से पाक करें और इंसानियत को वाहिद अल्लाह की इबादत से जोड़ें। लेकिन खुद इसराइली इस शिर्क व कुफ्र में पड़ गए और पत्थरों को अपना खुदा बना लिया। होसे नबी ने उन्हें बार बार राह रास्त पर आने की दावत दी, लेकिन उन्होंने आप अलैहिस्सलाम का इनकार किया और अपने कुफ्र पर कायम रहे। अब होसे नबी खुद इन इसराइलियों से बेजार हो चुके थे और जब जब आप उन्हें बुत परस्ती करते हुए देखते तो गज़बनाक होते। करीब था कि होसे नबी उन्हें कोई बद्दुआ दे दें या अल्लाह से उनके लिए किसी बड़ी अजाब या कहर नाजिल होने की ख्वाहिश कर देते। लेकिन इससे पहले खुदावंद खुदा ने होसे नबी से कलाम किया और उन्हें बताया कि बार बार खुदा के अहद तोड़ने और अपने खालिक को धोखा देने के बावजूद अपने बंदों के लिए खुदा का प्यार कम नहीं हुआ है। अपनी मोहब्बत और खुदाई को बताने के लिए खुदा के हुक्म से होसे नबी के साथ एक वाकया पेश आया। एक दिन बादशाह यरोबाम के बेटे की सालगिरह के मौके पर शहर के तमाम लोग जश्न में इकट्ठा थे। जब वहां होसे नबी लोगों को बुराई से रोकने के लिए आए तो आपकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम दिबलाम था। दिबलाम एक नेक और बूढ़ा शख्स था जो एक खुदा की इबादत करता था। दिबलाम ने होसे नबी को बताया कि बादशाह यरोबाम शहर की तमाम खूबसूरत लड़कियों को पकड़कर अपने महल में ला रहा है और उन्हें नाच गाने, फहश काम और जिना के लिए मजबूर कर रहा है। लिहाजा उसकी एक बेटी जिसका नाम जुम्र है उसे भी सिपाहियों ने पकड़कर ताजिरों को बेच दिया है और उसे फाहिशा बना दिया है। ये सुनकर होसे नबी को बहुत दुख हुआ और आपने दिबलाम को सब्र करने की तलकीन की और वापस घर आ गए। उस रात अल्लाह ने होसे अलैहिस्सलाम से कलाम किया और उन्हें हुक्म दिया कि जाओ और दिबलाम की बेटी जुम्र जो एक फाहिशा है उससे शादी कर लो। ये उस वक्त के लिए एक जिल्लत आमेज और गैर महजब बात थी कि एक शरीफ और आला नस्ल का इंसान किसी फाहिशा औरत से शादी करे। इस काम को उस वक्त इसराइली समाज में बहुत ही बुरे नज़र से देखा जाता था, यहाँ तक कि आज के जदीद दौर में भी इसे बुरा समझा जाता है। लेकिन हज़रत होसे ने खुदा के हुक्म के आगे एक सवाल न किया और न ये सोचा कि ये समाज या ख़ानदान इस शादी के मुतालिक क्या कहेगी। आप अलैहिस्सलाम अगले दिन जुम्र के पास गए और उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर जुम्र हैरान हो गई। उसने आपसे कहा कि आप एक शरीफुन नफ्स इंसान हैं जबकि मैं एक फाहिशा और बदकार हूँ। इस शादी से आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी जैसी मेरी हो चुकी है। लेकिन होसे नबी ने उससे कहा कि खुदावंद का यही हुक्म है और तुम्हारे वालिद दिबलाम भी इस पर राजी हैं। तुम मुझसे शादी कर लो और हम दोनों ये इलाका छोड़कर यरूशलम चले जाएंगे। इस तरह तुम इस जहन्नम से भी निकल जाओगी। लिहाजा उन दोनों ने शादी कर ली और यरूशलम के लिए निकल पड़े। होसे और जुम्र ने यरूशलम में 4 या 5 साल गुजारे, जिस बीच कई बादशाह तख्त पर बैठे और उतरे। बनी इसराइल की कई रियासतों पर असीरियों का कब्जा हो गया। इसराइलियों ने यरूशलम में बाल देवता की पूजा शुरू कर दी थी और इसका एक मंदिर भी बनाया था। होसे नबी इसराइल को हमेशा खुदा की तरफ बुलाते, कुफ्र शिर्क से तौबा करने का हुक्म देते और उन्हें बुरे कामों से रोकते। लेकिन लोग उन्हें पागल कहते, उनका मजाक उड़ाते और उन्हें तरह तरह से परेशान करते। होसे नबी हर वक्त फिक्रमंद और गमजदा रहने लगे। इस बीच जुम्र से आपके 3 बच्चे हुए जिनका नाम आपने यरजईल, लोअमी और लोरोहामा रखा, जिसके माने खुदा को धोखा देना या खुदा के अहद को तोड़ना है। उन बच्चों के नाम सुनकर जब इसराइली आपसे ये नाम रखने की वजह पूछते तो आप बताते कि उनके नाम तुम्हारे बुरे करतूत के मुताबिक रखा गया है क्योंकि तुम भी खुदावंद को धोखा देने वाले और उससे रिश्ता तोड़ने वाले हो। ये सुनकर बनी इसराइल आपका मजाक उड़ाते। होसे नबी की बीवी जुम्र अलबत्ता बुतपरस्त न थी, लेकिन उसका दिल अब भी जहालत और कुफ्र से पाक न हुआ था। वो होसे नबी से कहने लगी कि आप दिन दिन भर शहरों में घूमकर लोगों को दर्श देते हैं और अजीब अजीब बातें करते हैं। अपने बच्चों के नाम भी इतने अजीब रख दिए हैं कि लोग मजाक उड़ाते हैं। शायद आप जहनी तौर पर बीमार हैं। मैं आपसे तंग आ चुकी हूँ। ये सब सुनकर आप अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा होते और खुदा से दुआ करते कि जुम्र को सीधा रास्ता दिखा।
एक दिन हजरत हुसैन ने किसी काम के गर्ज से दूसरे शहर जाने का इरादा किया। आपने पैसों और अनाज का इंतजाम किया और अपने बीवी बच्चों को देकर उन्हें अलविदा कहा। आपने पड़ोसियों को कह दिया कि जरा उनका ध्यान रखें। जब आप अलैहिस्सलाम सफर के लिए निकल गए तो जुम्र सोचने लगी कि वो सामरिया में कितनी खुश थी, कितने मजे करती थी, लोगों से मिलती और दौलत कमाती थी, और अब इसकी ज़िंदगी कितनी बदतर हो चुकी है। शायद उसने सामरिया छोड़कर और होसे से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुछ दिन बाद जुम्र के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो एक सिपाही खड़ा था। गौर से देखने पर जुम्र को याद आया कि ये तो उसका पुराना चाहने वाला है जिसका नाम सिमरी है और पहले वो उसके साथ रहा करती थी। सिमरी उस रात जुम्र के साथ उसके घर रुका और उससे कहने लगा कि तुम्हारे जाने के बाद सामरिया में कोई फाहिशा औरत भी तुम्हारी जितनी खूबसूरत नहीं है। लोग तुम्हारे मुतालिक पूछते हैं, तुम इस पागल शख्स के साथ ये कैसी ज़िंदगी बसर कर रही हो जिसके पास ना मालो दौलत है ना जायदाद, बल्कि ये तो एक मजनून इंसान है जिसने अपनी अजीब बातों से यरूशलम के लोगों को परेशान कर रखा है। वो इसराइलियों को बद्दुआ देता है और दिन भर मारा मारा फिरता है। जुम्र इस कदर खुदगर्ज हो गई कि उसने अपने शौहर को छोड़ने का पक्का इरादा कर लिया। उसने अपने तीनों बच्चों को बेच दिया और जो रकम हासिल हुई उसे लेकर सिमरी सिपाही के साथ सामरिया चली गई। जब कुछ दिनों बाद हजरत होसे अलैहिस्सलाम सफर से वापस आए तो अपने घर को वीरान पाया। आप बहुत परेशान हुए और पड़ोसियों से पूछा कि उनके बीवी बच्चे कहाँ हैं। लिहाजा पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि जुम्र ने बच्चों को बेच दिया है और वो एक सिपाही के साथ सामरिया चली गई है। हमने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने किसी की एक ना सुनी। होसे नबी पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। आप बहुत रंजीदा हुए और आपका सीना दुख गम से फट पड़ा। होसे जब घर में दाखिल हुए तो वहाँ एक खत पड़ा देखा जो जुम्र छोड़कर गई थी। उसने उसमें लिखा था कि मुझे तुमसे बेहतर और मालदार इंसान मिल गया है, इसलिए मैं जा रही हूँ, मुझे तलाश करने की कोशिश ना करना। होसे नबी को बार बार ये ख्याल आ रहा था कि ये औरत इतनी जालिम कैसे हो सकती है जिसे मैंने फहश कामों और जिनाकारी के जहन्नुम से निकाल कर इज्जत की ज़िंदगी दी और अपना हमसफ़र बनाया, वो मुझे इस तरह धोखा कैसे दे सकती है। आखिर वो इतनी जालिम कैसे हो गई कि अपने शौहर और बच्चों तक के बारे में न सोचा। होसे नबी का दिल फट गया। आप बिखर गए, जिससे उन्होंने सबसे ज़्यादा प्यार किया था उसी ने उन्हें धोखा दिया। हज़रत होसे ने सबसे पहले अपनी जमा पूंजी निकाली और उस शख्स के पास जाकर मन्नत और समाजत करके उसे रकम दिया और अपने तीनों बच्चों को वापस लाए। इधर जुम्र के पास जो रकम थे उससे उसने खूब मज़े किए और सिमरी के साथ दो महीने तक साथ रही, लेकिन जब पैसे ख़त्म हुए तो सिमरी ने भी उसे छोड़ दिया और आखिरकार मजबूरन जुम्र को बैतेल नामी रईस यहूदी ने ख़रीद लिया जिसे उसने अपनी कनीज बना लिया। वो सामरिया में उस रईस के घर काम करने लगी और अब वहीं रहने लगी। इधर होसे नबी के दिल में शदीद गम गुस्सा था, इसके बावजूद आपके दिल से जुम्र की मोहब्बत कम न हुई। एक रात खुदावंद ने होसे से कलाम किया और कहा, तुम जुम्र को उस नौजवान से जिसने जुम्र की हालत आज कनीज से बदतर कर दी है उसे वापस खरीद कर अपने पास ले आओ। लिहाजा आप सामरिया पहुंचे और कई दिनों तक अपनी बीवी को तलाश किया। आखिरकार एक दिन आपको पता चला कि जुम्र उस रईस यहूदी के घर में है। लिहाजा आप फौरन वहां पहुंचे। आप अलैहिस्सलाम ने उस यहूदी को बताया कि जुम्र आपकी बीवी है तो वो हैरान हो गया कि ये फाहिशा तुम्हारी बीवी कैसे हो सकती है। होसे नबी ने उससे गुजारिश की कि वो जुम्र को आज़ाद कर दे। लिहाजा 500 चांदी के सिक्के के अवज़ उसने जुम्र को आज़ाद कर दिया। जब जुम्र होसे नबी के पास आई तो शर्म और नदामत से उसकी आंखों से आंसू रवा थे। वो आपसे नज़र तक नहीं मिला रही थी, लेकिन खुदावंद के हुक्म से होसे नबी ने जुम्र को माफ़ कर दिया और दोनों वापस यरूशलम चले गए।
हज़रत होसे की मोहब्बत को देखकर जुम्र के दिल में भी होसे के लिए सच्ची मोहब्बत पैदा हो गई। जुम्र ने यह महसूस किया कि उसके बार बार धोखा और दगा देने के बावजूद होसे की मोहब्बत में ज़रा भी कमी नहीं आया। उसने पाया कि जो प्यार वो दूसरों में तलाश कर रही थी उससे कई ज़्यादा प्यार होसे उससे करता था। तब उसे शदीद पछतावा हुआ और उसने सच्ची तौबा कर ली। होसे और जुम्र के इस किस्से में अजीम पैगाम और सबक पोशीदा है। अल्लाह ने यह पैगाम सिर्फ बनी इसराइल और उम्मत मोहम्मदिया ही नहीं बल्कि तमाम इंसानियत को दिया है। इस वाक़े से खुदावंद ने होसे को ये महसूस करवाया कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं अगर वो हमें धोखा दे तो हमें कैसा बुरा महसूस होता है। बिल्कुल उसी तरह खुदावंद को उससे कई ज़्यादा बुरा तब महसूस हुआ जब बनी इसराइल ने बार बार खुदा के अहद को तोड़ा और अपने रब को धोखा देकर दूसरे खुदाओं की इबादत में लग गए। खुदा ने होसे को उस दर्द का एहसास कराया था जो इसराइलियों के दगा और धोखेबाजी पर खुदा को होता है। खुदा ने होसे को ये भी बताया कि अलबत्ता बार बार खुदा के बंदे अपने रब को धोखा देते हैं, इसके बावजूद खुदा बंदों से तब भी मोहब्बत करता रहेगा। होसे और जुम्र की मोहब्बत की यह दास्तान बेमिसाल है और शायद ही ऐसी कोई दास्तान तारीख में कहीं मिलती है, क्योंकि ये कहानी उस मोहब्बत के मुतालिक है जो कभी बदलता नहीं। क्योंकि जुम्र के धोखा और दगा देने के बाद भी होसे उससे मोहब्बत करता रहा, खुदा की मोहब्बत भी अपने बंदों के लिए ऐसा ही है। हम खुदावंद को अपने बुरे आमाल और बुरे करतूतों से बार बार दुख पहुंचाते हैं। हम वो काम करते हैं और वो बातें कहते हैं जिसे खुदा पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी हमारा रब हमसे मोहब्बत करता है। हम खुदा को धोखा दे सकते हैं, उसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वो ना हमें छोड़ेगा और ना ही उसकी मोहब्बत में कभी कमी आएगी। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस दुनिया में अगर हमें कोई सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है तो वो हमारा रब है। दुनिया के लोगों का प्यार दिखावटी, मतलबी या ज़रूरत के तहत होता है, लेकिन खुदावंद का प्यार ना मतलबी होता है ना दिखावटी। वो हमसे ऐसी मोहब्बत रखता है जो मुकद्दस और खालिस है। तौरात में खुदावंद इसराइलियों से कहता है कि ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ। ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हें कैसे उन दुश्मनों के आगे डाल दूं, क्योंकि मेरा मन तो तुम्हारी मोहब्बत से पिघल चुका है। होसे की तरह खुदावंद इसराइलियों को वापस अपनाने की कसम देता है और इसराइलियों और अपने तमाम बंदों से कहता है कि अपने खुदावंद की तरफ लौट आओ, क्योंकि तूने अपनी गलतियों और खताओं की वजह से ही ठोकर खाई है। तू वादा कर कि तू कभी अपने हाथों से बनाए हुए खुदा की पूजा ना करेगा और मेरी इबादत करेगा, क्योंकि खुदा ही बंदों पर रहम करता है। हम अपने रब से दूर जा सकते हैं, लेकिन खुदा हमसे कभी दूर नहीं जाएगा, ना उसकी मोहब्बत अपने बंदों से कभी कम होगी। आज ये सवाल हमें खुद से करना चाहिए कि क्या हम अपने रब से सच्ची मोहब्बत रखते हैं या हम भी उसे जुम्र की तरह धोखा दे रहे हैं।